पूरे देश भर में ट्रेनों की डीरेल होने की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं इसी बीच कानपुर से भी एक बार फिर से ट्रेन को डीरेल करने की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस जो अलवर से कासगंज रूट पर चलती है उसे डीरेल करने की कोशिश की गई है। वहीं कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की नाकाम साजिश का वीडियो भी सामने आया है, जहाँ ट्रेन की पटरियों की कुछ ही दूरी पर एक सिलेंडर मिला है, जहाँ बताया जा रहा है कि सिलेंडर को कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पर रखा गया था वहीं जब ट्रेन ट्रैक से गुजरी तो सिलेंडर टकराकर गिर गया। वहीं यदि सिलेंडर ट्रैक पर ही फट जाता तो एक भयानक ट्रेन हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हादसा टल गया। वहीं आपको बताते चलें, कालिंदी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने तुरंत ही सीनियर ऑफिसर को सूचित किया है और साथ ही घटना के बाद आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के कई अफसरों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच में सामने आया है कि ट्रेन के पास ही सिलेंडर के अलावा बोतल में पेट्रोल व माचिस और एक मिठाई का डब्बा भी मिला है और साथ ही एक झोले में बारूद जैसा ज्वलनशील पदार्थ भी मिला है। वहीं इन सब संदिग्ध चीजों के मिलने से आरपीएफ ने आतंकी साजिश की आशंका भी जताई है और साथ ही पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले पर कानपुर के पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने भी जानकारी दी है। ये रेलवे के अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है नियमानुसार इसमें जो कठोर